गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ सब्जेक्ट चैप्टर 4 फ्रैक्शंस पेज नंबर 118। फ्रैक्शन मतलब होता है अंश या भाग। फ्रैक्शंस, अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ होल, इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। एक पूर्ण वस्तु को संपूर्ण कहा जाता है, संपूर्ण के समान भागों को अंश कहा जाता है, मतलब फ्रैक्शंस कहा जाता है। हाफ, हाफ मतलब क्या होता है, आधा। When we divide an object into two equal parts, each part is called one half of the whole. It is written as 1/2. Okay? जब हम किसी वस्तु को दो समान भागों में विभाजित करते हैं, okay? दो समान भाग मतलब one and half, दो समान भागों में विभाजित करते हैं तो, विभाजित मतलब होता है बांटते हैं, तो प्रत्येक भाग को जो रहता है उसका संपूर्ण का आधा आधा, मतलब इक्वल पार्ट्स में हम बांटते तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन एंड हाफ। ओके, कोई भी वस्तु को अगर हम टू पार्ट्स में इक्वल इक्वल डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन एंड हाफ। वन थर्ड, वन थर्ड मतलब होता है एक तिहाई। व्हेन वी डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट्स इज कॉल्ड वन थर्ड ऑफ द होल, इट इज रिटन एज 1/3। जब हम किसी वस्तु को तीन बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग को, जो पूरा भाग है उसके एक तिहाई भाग को, एक तिहाई मतलब वन थर्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, वन थर्ड भाग बोला जाता है। पूरे का तीन बराबर इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करा, ये वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, वन थर्ड मतलब एक तिहाई, इसे हम रिटर्न में कैसे लिखेंगे, 1/3। वन फोर्थ मतलब एक चौथाई। व्हेन वी डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट्स इज कॉल्ड 1/4 ऑफ द होल, इट इज रिटर्न एज 1/4। जब हम किसी वस्तु को चार बराबर भागों में, कितने भागों में, चार बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग को जो रहता है पूरे का एक ये वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे हम, 1/4 मतलब एक चौथाई भाग बोलते हैं। ओके, इसको रिटर्न में हम कैसे लिखेंगे, 1/4। ओके, थ्री फोर्थ मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, तीन चौथाई। When we divide an object into four equal parts, three parts taken together are called 3/4 of the whole. It is written as 3/4. जब हम किसी वस्तु को चार बराबर भागों में बांटते हैं तो उस एक साथ लिए गए तीन भागों को, एक साथ लिए गए तीन भागों को हम क्या बोलेंगे, yes, क्या बोलेंगे, तीन चौथाई भाग मतलब 3/4 कहा जाता है। इसको रिटर्न में हम कैसे लिखेंगे, 3/4। ओके, ऐसे ही आपको भी पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.1, कलर 1/2 ऑफ ईच शेप। प्रत्येक आकृति का रंग आपको कैसे फिल करना है, 1/2, इसको क्या बोलेंगे, क्या होता है ये, हाफ, इसको आधा बोलते हैं, 1/2 मतलब ये आपको आकृति दी गई है शेप, इसमें क्या करना है, आधे इक्वल पार्ट्स में हमको क्या करना है, कलर करना है। ओके, ऐसे ही कलर आपको भी करना है। कलर 1/3 ऑफ ईच शेप, ये आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें आपको क्या करना है, कलर करना है, किसमें, 1/3 मतलब एक तिहाई भाग, एक तिहाई भाग में क्या करना है आपको, कलर करना है, मतलब क्या करना है इसमें, 1/3 मतलब थ्री पार्ट्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3 दिए हुए हैं, आपको वन पार्ट में क्या करना है, कलर करना है, ऐसे। कलर 1/4 ऑफ ईच शेप, इसमें भी आपको कलर करना है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, 1/4 मतलब एक चौथाई भाग में क्या करना है आपको, कलर करना है। ओके, कलर 3/4 मतलब इसको क्या बोलेंगे हम,
थ्री फोर्थ, मतलब तीन चौथाई भाग में क्या करना है आपको, कलर करना है। मतलब कितने पार्ट दिए हूँ आपको, वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट दिए, उसमें से थ्री पार्ट में आपको क्या करना है, कलर करना है। ओके, राइट फ्रैक्शन फोर ईच ऑफ द सेट्स पार्ट्स, आपको फ्रैक्शन लिखना है यहाँ पर। ये आपको शेप्स दिए हुए हैं, ओके, जिनमें कलर है, जिन पार्ट्स में आपको, जैसे ये दिया है, ये क्या है, हाफ, तो इसको हमने क्या लिखा, इक्वल पार्ट्स में है ये, तो वन अपॉइंट टू लिखेंगे। ये कितना है, कितने पार्ट्स में, ये कितने पार्ट्स हैं इसके, वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट्स हैं, लेकिन कितने पार्ट्स में कलर है इसके, वन टू थ्री, थ्री पार्ट्स में कलर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, थ्री अपॉन फोर। इसके कितने पार्ट्स हैं, वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट्स हैं, लेकिन हम वन पार्ट्स में क्या है, कलर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, वन अपॉन फोर। ओके, ये वन एंड हाफ, ये वन अपॉन फोर, ये थ्री अपॉन फोर। ओके, ऐसे ये आपको भी फिल करना है। ओके,